कि आप भी एक ऐसा फोल्डर बनाना चाहते हैं जो किसी को ना दिखे। तो ऐसा फोल्डर बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे और अल्ट प्रेस करके 255 प्रेस करके सारे की को छोड़ करके एंटर करेंगे, जिससे आपका बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। अब इस आइकन को हाइड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे और चेंज आइकन पे आएंगे। चेंज आइकन पे आने के बाद इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें तीन इनविजिबल आइकन मिल जाएगा। किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे।